गाइस, मैं फिलहाल हूँ भाऊचा ढक्का पर क्योंकि मैं जा रही हूँ अलीबाग बाय द M2M फेरी एंड दैट इज आवर फेरी. गाइस, आई एम अबाउट टू बोर्ड द M2M फेरी. वैसे इसे M2M इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट गोज फ्रॉम मुंबई टू मालवा. एज सिंपल एज दैट. यस, 9 बजे की फेरी है. हम जल्दी पहुँच गए हैं बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू अराइव अर्ली. वी हैव बुक्ड द टिकट ऑनलाइन. आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस टू बुक इट ऑनलाइन बिकॉज अवेलेबिलिटी की इशू होती है. वैसे ऐसे कि हम काफ़ी सारे व्हीकल्स भी जा रहे हैं तो आप अपनी व्हीकल ला सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई दिस फेरी इज नोन एज रोल ऑन एंड रोल ऑफ. इसे रो रो भी बुलाया जाता है बिकॉज यू कैन रोल ऑन द वे यू हैव कम एंड रोल ऑफ योर सेल्फ द वे यू वांट. सो यस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी. सो लेट्स फर्स्ट सनी है, गर्मी का मौसम है एंड मुंबई की गर्मी को आप जानते हो. इट्स इनसेन. अगर आप लगेज ला रहे हो अपने साथ में एडिशनल लगेज आपको यहाँ रखना होगा एंड देख लीजिए टोकन. चलो, लगेज रख दिया है मैंने, टोकन इज विद मी. ऐसे काफी लोग बोलते हैं कि दिल धड़कने वाली फीलिंग आती है ऐसे. लेट्स सी व्हेन द जर्नी स्टार्ट्स मेरी. और इट्स क्वाइट क्लीन, ह्यूज. ऐसे इस शिप को इन्होंने ग्रीस से मंगवाया है. And is Maharashtra's first RoPax ferry service that takes you from Mumbai to Mandwa in just 1 hour. Guys, so ये ground level है जहाँ पर से गाड़ियाँ enter होती है. जैसे आपने देखा होगा कि हमने वहाँ से entry ली. And this is the place जहाँ पर आप गाड़ी park करते हो. And now I am going to the upper level. This is the spacious outdoor seating deck that offers breathtaking views. So guys, as you can see, यहाँ पर cars parked हैं. अगर आप चाहें तो अपने कार में ही बैठ सकते हैं. The ticket for this ferry is 300 per person और कार का एडिशनल है. बाइक का कुछ 200 के अराउंड है. एंड अगर आपके पास पेट्स है तो पेट्स का भी एडिशनल कॉस्ट है. एंड पीपल मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट. मास्क के बगैर तो आप एंट्री मिलेगी नहीं वेरी बात तो आपको शिप में. एंड आप यहाँ पर भी अगर आपको बात भी करना है या किसी से कुछ बोलना है या फ़ोटो निकालना है तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज लोग बार बार आके आपको टोकते हैं कि आप मास्क पहनो मास्क पहनो. तो आई वुडंट बी एबल टू रिमूव द मास्क. सो जस्ट इन केस अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. Well, this ship was built in September 2019 and is specially designed for ferry passengers and vehicles and is operated by trained ship crew. It can carry 500 passengers and 145 vehicles. Guys, so this is the lounge area which is absolutely air conditioned and isliye itne sare log andar baithe hain because bahar bahut zyada garmi hai. The plush and chic interiors makes this lounge an ideal place to spend time while you travel across the bay in safe and sanitized environment. Guys, this is the cafeteria and I am planning to have a coconut water to start it. Hello. Guys, let's check how clean the washroom is and
आई हाय लुक एट दिस नज़ारा। मतलब ऐसा कितने बार होता है कि आप वॉशरूम का दरवाजा खोलो और आपको ऐसा व्यू मिले। वैसे हमें ये बग्गी राइड बाय लक मिली थी एंड दे ड्रॉप्ड अस टिल द एग्जिट गेट ऑफ मांडवा फेरी टर्मिनल। इट वाज अ गुड बाय टू M2M एंड हेलो टू अलीबाग। सो दिस इज द एरिया जहां M2M की तरफ से इवेंट्स होते हैं। हाउएवर इट्स शट बिकॉज ऑफ कोविड, बट हु सेड दैट यू कांट हैव अ लिटिल फन। यहां पे ओपनिंग है क्या ऐसे सिंगर्स के लिए? राइट आउटसाइड द टर्मिनल आपको यहाँ रिक्शा स्टैंड दिख जाएगा एंड थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद यू कैन टेक द रिक्शा टू वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। दैट्स वॉट वी डिड एंड फाइनली रीच्ड आवर लग्जूरियस विला बाय विस्टा रूम्स। गाइज इस विला के सारी डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में आ रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनएडवाइज्ड ट्रैवलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप। Share it with everyone who is planning a trip from Mumbai to Alibag with M2M ferries in this lockdown. I will see you soon in the next vlog. Till that time, you take good care of yourself and don't forget to wear your mask.